वेलकम बैक गाइस। सो वी आर गोइंग टू मेक केदातु टुडे एंड हम लोग घर से सुबह 6 बजे निकल गए थे। सो अभी और पहुंचने में 10 किलोमीटर हैं, तो आई थिंक 20 से 25 मिनट में पहुंच जाने चाहिए। लेट्स सी एंड आप लोगों के लिए देखिए कैसा शानदार व्यू। Karnataka has many beautiful places to explore, and one such place is Mekedatu. The drive is quite enjoyable as the route is very scenic, and you will cross through the forest areas and the beautiful landscapes. Let's explore Sangama and Mekedatu first. This place is Sangama, where Arkavati River merges with Kaveri. You have to buy tickets for coracle ride to cross the river, and then again you have to purchase a bus ticket in order to reach Mekedatu viewpoint. After so many years, I'm seeing a rainbow. Oh my god. और वो भी डबल रेनबो। वाओ, अभी तक आज का ये वेदर एंड ये प्लेस हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। एंड चलिए थोड़ी देर में चलते हैं मेकेदातु व्यू पॉइंट पे। जनरली ये नीचे जो व्यू पॉइंट है, इधर तक रास्ता बंद रहता है, आने नहीं देते हैं, पर आज तो खुला है। लेट्स सी कि कैसा दिखता है सामने से। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और लंच करके हम लोग निकलेंगे भीमेश्वरी होते हुए बैंगलोर। इधर अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग और एक जगह है चुंची फॉल्स, आप वो कवर कर सकते हो, बट ज़्यादा पानी नहीं है उस पर हम लोग ने सुना था, तो इसलिए नहीं जा रहे। तो फिर चलिए देखते हैं आगे का जो रूट है भीमेश्वरी का तरफ वो कैसा होता है। चलिए देखते हैं। आज मुझे एक बात पता चला कि बंदर भी नॉनवेज खाते हैं। हम लोग इधर अपना पैक्ड लंच लेके आए थे क्योंकि पता था कि इधर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है होटल वगैरह, पर यहाँ पर ये बंदर देखिए हमारा चिकन पकौड़ा ले गया। How was it? Was it good? The pakoda was good? Huh? Tell me sir, give us some good ratings.